विद्यार्थियों आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो मेरा नाम है प्रतिभा खिलवाड़, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों मैं आप लोगों को ज्यादा समय आज वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, टॉपिक लंबा हो जाता है और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपका और समय खिंचा जाता है, ठीक है। तो भाई मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोग को नहीं करूंगी, सीधे अपने टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम कक्षा 12वीं का जो हमारा जीव विज्ञान का सेशन जो चल रहा है धड़ाधड़ का, उस पर हम बात करने वाले हैं मिशन 2023 पर। तो मिशन 2023 हमारा जो चल रहा है, मतलब 2023 का जो सीजन चल रहा है, 2023 के सीजन में हम आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो भाई देखो भाई आज हम क्या बात करने वाले हैं आज के सेशन में, इस पर हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों 5 अंक वाले प्रश्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने 1 अंक वाले प्रश्न की बात की, किसमें, यूनिट थर्ड में, कक्षा 12वीं का यूनिट थर्ड जो है, जिसमें जो 3 चैप्टर्स जो आते हैं, कौन कौन से, मानव स्वास्थ्य वो रोग के बारे में, मानव स्वास्थ्य रोग के बारे में, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में और मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव के बारे में हमने देखा हुआ है। और 1 अंक के प्रश्न की बात हमने कर ली, 2 अंकों की भी बात कर ली, 3 अंकों की भी बात कर ली और अब हम बात करने वाले हैं 5। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं जब 3 अंक के प्रश्न की जब बात करी थी तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन यहां से उठाई थी, ठीक है, ध्यान देना। 3 अंक के प्रश्न की जब मैं बात की थी तो मैंने क्वेश्चन जो है चैप्टर 8 से ज्यादा तर उठाया हुआ है, लेकिन आपके चैप्टर आपके 9th में और 10th में की अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें भी और बनाते जाऊं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा आता है तो मैं इस पर भी और बनाने वाली हूं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करें कि मैडम इस चैप्टर से और बना दीजिए, तो फिर मैं वहां पर आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है बनाते जाऊंगी, डालते जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीधे सीधे 5 अंक के प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना क्या आता है, प्रश्न जो पूछा गया है उस पर हम बात करेंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया भाई, 2020 में आया, अच्छा ये चीज याद रखना, 2021 में भी ये प्रश्न आया है, ठीक है। ये अथवा में क्वेश्चन और आ चुका है, सेम यही प्रश्न था लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था, ठीक है। यहां पर उद्देश्य के साथ इसकी चरण की भी बात हुई थी, इसके चरण कौन कौन से, इस पर भी बात हुई थी, इसलिए मैं वहां पर रिपीट नहीं करूंगी, लंबा हो जाता प्रश्न इसलिए मैं वहां पर हटा दी हूं, आप लोगों को मैं चरण भी बताने वाली हूं। तो 2020 में 2021 में प्रश्न आया है, 22 में नहीं आया तो क्या हुआ, 23 में आने के इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर 5 अंक का जो प्रश्न है वो या तो 8वें चैप्टर से या तो 9वें चैप्टर के इसी से ही ज्यादातर बनते हैं, और जो भी बनते होंगे वो सारा चीज मैं क्लियर करते जाऊंगी, तब तक आप इसको देखते जाइए, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है बेटा उत्तक संवर्धन क्या है, ठीक है, उत्तक संवर्धन क्या है और उसके उद्देश्य लिखा है, साथ ही साथ हम इसके चरण को भी ध्यान देंगे, ठीक है। आंसर बताओ कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे उत्तक संवर्धन क्या है, इसके बारे में, उत्तक संवर्धन होता क्या है इसके बारे में बताओगे। तो ध्यान दो सबसे पहले उत्तक संवर्धन होता क्या है, फिर हम यहां पर जो लिखा है इसके बारे में हम बात करने वाले। पादप, जैसे कोई भी प्लांट ले लो, कुछ भी प्लांट ले लो, आपका जो मन करे बोल दो, ठीक है, चाहे सेवंती की बात करो, चाहे गुलाब की बात करो, चाहे किसी भी प्लांट की बात करो, हम क्या करते हैं उस पौधे से या प्लांट से, पौधे के किसी भी हिस्से से, ठीक है, पौधे के किसी भी हिस्से से, अब कौन से हिस्से भाई, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां पर एक पेज ये ले लेते हैं पेज, ठीक है। ये मान लो जाए एक प्लांट ले लिया हमने, ग्रीन प्लांट लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये हमने क्या किया, एक ग्रीन ऐसा प्लांट बना दिया, ठीक है, ट्री बन गया है, तो प्लांट बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम एक छोटा सा ऐसा प्लांट बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये एक ठो पत्ती बना दिया हमने ऐसा करके, फिर एक पत्ती बना दिया हमने छोटा सा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, चलो भाई, ठीक है, फ्लावर वालावर भी खिला देते हैं, उसमें क्या है पता चला, आप लोग ये बोलो कि मैडम फूल तो खिला दो, है ना, ये हमने एक छोटा सा फूल खिला दिया यहां पर, ठीक है। तो एक हमने एक प्लांट बनाया है, अब ध्यान देना उत्तक संवर्धन का क्या मतलब होता है, जब भी हम उत्तक संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो एक नाम ज्यादातर हम लेते हैं किसके बारे में,
कोई भी प्लांट हो, सीधी सीधी बात है वो कोशिका से ही मिलकर बनी होगी, है ना। कोई भी प्लांट की अगर हम बात करें तो वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कोशिका में जब विभाजन होता है तो वो क्या बनाता है बेटा, उत्तक बनाता है। चलो भाई ये कोई नया चीज नहीं है मैडम, ये क्या है, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, बचपन से पढ़ रहे हो तो क्या हुआ, कोशिका है, कोशिका में विभाजन हो गया तो उत्तक बनाएगा, उत्तक आगे विभाजन करेगा तो क्या बना लेगा, अंग बना लेगा। अंग से क्या बनता है भाई, अंगतंत्र बनता है। चाहे हम पौधे की बात करें, चाहे हम पौधे की बात करें, चाहे हम किसी जीव की बात करें, सभी में स्टार्टिंग जो होता है वो कोशिका से ही होता है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले कोशिका एक कोशिकी ही होता है, कोशिका एक कोशिकी ही पाई जाती है। कोशिका में विभाजन होते जाएगा तब वो क्या होता है, एक कोशिका से वो बहुकोशिकी बन जाता है। ध्यान देना, सबसे पहले कोई भी कोशिका हो, चाहे हम पादप की बात करें, चाहे हम जंतु की बात करें, कोई भी कोशिका सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिकी होता है। कैसा होता है ये, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अब जब ये पादप और जंतु एक कोशिकीय होता है तब इसमें विभाजन होगा, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, मतलब कोशिका का क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रही हूं। जैसे हम अभी बात की क्या, एक कोशिका के बारे में बात किए, और जब हम एक कोशिका के बारे में बात करते हैं, एक कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, एक कोशिका। एक कोशिका से कितने कोशिका बनेगा भाई, दो कोशिका बन जाएगा, ठीक है भाई। कितनी कोशिका, दो कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी, दो कोशिका। उसी तरह अगर हम दो से दो दूसरे की बात करें, दो से कितनी कोशिका बनेगा, चार कोशिका बनेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, दो से चार जो कोशिका बन रही है, ध्यान दे रहे हो, एक से दो बना, दो से चार बन गया, चार से आठ बनेगा, आठ से सोलह, आठ से बत्तीस। इस तरीके से हम अभी बताते हैं कि ये है आपका एक कोशिका। जब ये एक था कोशिका तब हम इसको हम क्या बोले, एक कोशिकीय बोलते थे। जब इसमें विभाजन हुआ तो ये क्या बना लेगा, कोशिका का एक समूह बना लेता है। क्या बना लेगा, कोशिका का समूह बना लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, उत्तक कहते हैं। ध्यान देना, कोशिका का समूह क्या कहला रहा है, उत्तक कहलाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है क्या आपका उत्तक। समझ आ रहा है, ये क्या है आपका, उत्तक कहलाता है। कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। अब उत्तक से ही क्या बन जाएगा भाई, उत्तक से बना लो एक ऑर्गन बना लो, ठीक है। जैसे हमने यहां पर बना दिया क्या, मान लो जाए कोई भी हमारा हाथ है, ठीक है, हमने क्या बनाया, ये हमारे हाथों की उंगलियां बन गई, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्गन बन गया है, ठीक है, अंग बन गया है, अंग। अंग से हमारा पूरा बॉडी का शेप बात करो, चाहे हम एक प्लांट की बात करें, प्लांट में एक ऑर्गन बनेगा, ठीक है, चाहे वो लीफ की बात हो, चाहे स्टेम की बात हो, चाहे रूट, रूट से स्टार्ट होता है, रूट स्टेम, ठीक है, फिर लीफ तक जाता है। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन करके बहुत सारे, यानी कि मल्टी सेलुलर बन जाता है, बहुकोशिकी बन जाता है, और एक प्लांट का निर्माण होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो हम अच्छा ध्यान देना, मैं बता क्या रही हूं उत्तक संवर्धन के बारे में, ये इसी से ही रिलेटेड होने वाला है। कैसे, तो बता दो भाई मैम कैसे होता है। तो अब ऐसा है बेटा कि एक कोशिका की जब हम बात करते हैं, पादप के किसी भी कोशिका को ले लो, चाहे उत्तक को ले लो, चाहे किसी ऑर्गन को ले लो, हम उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें किसी भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान देना, हमको बस इसके लिए न्यूट्रिशन माध्यम चाहिए, मतलब पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उससे ही हम कोई भी कोशिका या फिर उत्तक या अंग से एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं। ध्यान देना जो मैं रिपीट कर रही हूं, आई होप ये वाला टॉपिक तो आपको समझ आया होगा। यहां पर मैं ऐसे ही कर देती हूं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो करने वाली हूं मैं, इधर आते हैं,
चलो इसी की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक प्लांट है, प्लांट के किसी भी कोशिका को ले सकते हैं या कोई भी उत्तक को ले सकते हैं या किसी भी अंग से हम नया प्लांट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ऑर्गन विकसित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक संवर्धन माध्यम चाहिए। क्या चाहिए हमको, संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि इस संवर्धन माध्यम में पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, ठीक है, एक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और आपके दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन सभी से ही हम क्या करते हैं, एक नए प्लांट को विकसित कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ आया है कि नहीं, याद होगा जब हमने पहले ही लेक्चर, देखो सबसे पहला चैप्टर जब पढ़ते हो अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बारे में, तो उसमें लिखा ही हुआ है सूक्ष्म प्रसारण की विधि के बारे में, उसको अगर पढ़ा होगा तो ये आप लोग के लिए समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या हमने देखा कि पौधे के किसी भी कोशिका या उत्तक या अंग से हम नए पौधों की विकसित कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा क्या है भाई, पादप उत्तक संवर्धन क्या करते हैं, प्रायोगिक विधियों का वह संग्रह होता है जिसमें अलग की गई कोशिका, हम कोशिका को अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है, या उत्तक को अलग करेंगे या अंग को अलग करेंगे। अंग कौन सा हो सकता है भाई, फ्लावर का पराकोष हो सकता है, पराकोष पराकण हमने पढ़ा ना, मैंने बताया हुआ है सेकंड में, ठीक है। भ्रूण की बात हो सकती है, ठीक है, एम्ब्रियोइड, इससे आदि से संवर्धन माध्यम पर उसको नियंत्रित करेंगे, वहां पर अर्जर्मीकृत करेंगे, इस अवस्था में अधिक संख्या में हम पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बहुत सारे हम पौधे इस छोटे से कोशिका से, इस छोटे से उत्तक से हम बहुत सारे पौधे की विकसित कर सकते हैं, पौधे की वृद्धि भी कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका उत्तक संवर्धन जो क्या होता है, ध्यान देना, ठीक। अब नेक्स्ट आता है भाई, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हमने पादप उत्तक संवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इसका एम है, क्यों हमको जरूरत पड़ रही है इसके उद्देश्य की, ध्यान देना। सबसे पहला तो ये आप खुद ही सोचो भाई साहब, आप एक छोटे से प्लांट से, एक छोटे से कोशिका से बहुत सारे पौधे को विकसित कर सकते हो, कितना बड़ा ये एडवांटेज है हमारे लिए, कितना उपयोगी हमारे लिए कि भाई छोटे से कोशिका से हम बहुत सारा, हम जैसे चाहते हैं वैसे प्लांट हम उपयोगी रूप में बना सकते हैं, ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। मान लो जब मुझे केले का ये एक पौधा है जो बहुत ही अच्छा है, उसकी बहुत सारी कॉपियां बनानी, बहुत सारा बनाना है, जैसे होता है ना फोटोकॉपी, ऐसे ही समझो, ठीक है। तो एक कोशिका से हम बहुत सारे पौधे को तैयार कर सकते हैं, यही है पादप उत्तक संवर्धन, यही है इसकी उद्देश्य, ठीक है। तो ध्यान रखो क्या क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है हमारा क्या बोलता है, यह लिंगी प्रजनन की प्रक्रिया को फसल विकास के लिए अत्यावश्यक नहीं रहने देता, बल्कि किसी भी अवस्था से नहीं। जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं एक पौधा कैसे बनता है भाई साहब, आपका फर्टिलाइजेशन होता है ना, जैसे ये पुष्प का फ्लावर हो गया, अब फ्लावर की अगर हम बात करें तो भाई साहब इसमें पराग कोश होगा, पराग कोश में पराग कण होता है ना, क्या होता है, पराग कोश होता है, और पराग कोश में क्या होगा, पराग कोश में पराग कण होता है, यहां पर बना देती हूँ, पराग कण होता है, और पराग कण वर्तिकाग्र में जाएगा, फ्यूज होगा यहाँ पर, है ना, फ्यूज होगा एक कोशिका के साथ, तब एक नया प्लांट बनता था, यही हम लोग पढ़ते थे। लेकिन इसमें कह रहा है भाई, भाई साहब आपके निषेचन की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो भाई निषेचन करवाना ही नहीं है हमको, हमको लिंग की आवश्यकता ही नहीं है, हमको ना नर चाहिए ना हमको मादा चाहिए, समझ आ रहा है आप लोग को, ना तो हमको नर चाहिए ना हमको मादा चाहिए, हम बिना नर और मादा यानी कि बिना लिंग के, बिना प्रजनन करने, लिंग प्रजनन के ही हम नए पौधे बहुत सारे हम विकसित कर सकते, कितना बड़ा ये एडवांटेज है इस हमारे लिए, समझ आ रहा है। तो ये है पहला विकास। दूसरा और क्या उद्देश्य पढ़ते हैं बेटा, दूसरा है क्या, अभूत संकर किस्मों को उत्पन्न करना, जैसे प्रोटोप्लास्ट संयोजन से नए युग्म लक्षणों वाले पौधों का विकास करना, हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। याद होगा जब जीन्स पेयर हम लोग सेकेंड अध्याय जब पढ़े हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दो दिए होंगे आप लोग, सेकेंड नहीं है वो, एक्चुअली छठवां अध्याय है, ठीक है, पांचवा छठवां अध्याय हम लोग संकरण के बारे में जिसमें पढ़े थे, हम क्रॉस करवाते थे, क्रॉस करके नए पौधे विकसित करते थे या नया प्लांट बना देते थे। तो भाई साहब इसमें संकर किस्मों को उत्पन्न करना
मतलब नए लक्षण वाले पौधों को विकसित करना ये भी पॉसिबल है, ये भी समझो। ठीक है, संकर क्रॉस करवा करके नए नए लक्षण जो पैदा करते हैं ना, ये भी बहुत इजी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, ये भी हमारा एम है। नेक्स्ट क्या है भाई, रोगी पौधे से रोग मुक्त पौधे का विकास करना। हम ऐसे पौधे को भी विकसित कर सकते हैं जिसमें कैसा होना चाहिए, ज्यादा वो रोगी नहीं होना चाहिए, मतलब वो बीमारी नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया वायरस जल्दी से अटैक करते हैं ना पौधे में, उसके अंदर क्या इम्यूनिटी पावर नहीं रहती, तो वो जल्दी संक्रमित होते हैं और जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार एक नए पौधे को विकसित कर सकते हैं जो रोग मुक्त पौधे कहलाएंगे। समझ आ रहा है, तो ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, प्रजनन चक्र पूर्ण होने में लगने वाले समय का कम करना। भाई साहब, आपके जब रिप्रोडक्शन होता था, निषेचन की प्रक्रिया होती थी, तो समय लंबा लगता था, इस समय को कम करने के लिए ही ये पादप उत्तक संवर्धन लाया गया है, ये भी एक उसका उद्देश्य है। समझ आ रहा है, अगुणित पौधों का संवर्धन भी, हैप्लॉइड पौधों का भी हम कल्चर यहाँ पर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम डिप्लॉइड कोशिका का ही अध्ययन करें। नेक्स्ट क्या है भाई, ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना सकते हैं। भाई दो पौधे को मिला करके एक नया पौधा बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग याद है कायिक जनन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधों का संवर्धन करना, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पौधों का विकास करना। समझ आ रहा है आप लोगों को, कायिक संकरण एवं उसके उत्पादन कोशिका से नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब पौधे के किसी हिस्से से भी, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फ्लावर हो, किसी भी हिस्से से हम एक नए पौधे को भी विकसित कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों को कम समय में अत्यधिक संख्या में निर्मित करना। भाई साहब, जिस चीज की हमें आवश्यकता ज्यादा है, जैसे टमाटर देख रहे हो, टमाटर का सीजन देखना, जैसे ही इसका सीजन खत्म होता है उस टमाटर की महंगाई को देखना, पार कर देता है पूरा। ठीक है, सबके पसीने छोड़ देता है टमाटर जैसे ही उसका मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, इस विधि का उपयोग करके, यानी कि उत्तक संवर्धन माध्यम का यूज करके हम बहुत सारे प्लांट, यानी कि जैसे टमाटर का हमको चाहिए तो हम टमाटर के प्लांट भी उगा सकते हैं। ठीक है, कम समय में अधिक संख्या, उत्तक संवर्धन द्वारा वृद्धि की विभिन्न प्रक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों के विषय में तथा उनकी क्रियाविधि का विधिवत अध्ययन करना। ये इतना जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंट जो है यही चीज है, इतना चीज लिखो, दैट्स इट, खत्म करो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसके चरण की बात करेंगे, इसके विधि की बात करेंगे, क्या इसके स्टेप होते हैं, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देना, ये डायग्राम अगर आप लोग को दिख रहा है तो मैं आपको बताते भी जाऊंगी ये क्या क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान दो। ठीक है, चलो भाई ये क्या आ गया, ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक गाजर का प्लांट दिया है, गाजर है, और गाजर में ध्यान दो कि ये जो गाजर है इसका हमने कोई एक्सप्लांट मतलब कोशिका का एक भाग लिया, या हम उत्तक भी ले सकते हैं या कोशिका भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहते हैं उसको, हम एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, हमने गाजर का एक छोटा सा हिस्सा कोशिका या उत्तक को ले लिया जिसको हमने एक्सप्लांट कहा, और इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रिशन मीडियम में डाल देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन मीडियम मतलब ऐसा मीडियम होता है जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, प्लांट को बढ़ने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, चाहे वो दीर्घ अणु हो, चाहे वो लघु अणु हो, चाहे एक टेम्परेचर हो, है ना, उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर डाल देते हैं। ऐसे तो पेट्री डिश में डालते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिया। अब एक्सप्लांट में जैसे ही हम एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन मीडियम डालते हैं, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्लांट होता है उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है, और ये ग्रो करके बना लेता है कैलक्स। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये कोशिका बढ़ते जाएगा, डिवीजन होते जाएगा तो बड़ा बन जाएगा, तो तब हम इसको बोलते हैं कैलस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब कैलस जो होता है थोड़ा सा और ग्रोथ करते जाएगा, एक एक महीने में, महीनों महीनों में करते रहता है, या फिर कम समय में भी हो जाता है, जैसे जैसे न्यूट्रिशन मीडियम डालोगे ये क्या करते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये एम्ब्रॉयड बना लेता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से, अब ये एम्ब्रियोइड से ये एम्ब्रियो बना लेगा। अब एम्ब्रियो भ्रूण बन गया, तो भ्रूण से क्या बन जाएगा भाई, कैलस बना, कैलस से भ्रूण बन रहा है, और भ्रूण से अब न्यूट्रिशन माध्यम में देखो एक प्लांट जर्मिनेट हो गया।
किसका, गाजर का, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्लांट ग्रो करके एक नया गाजर का फिर से प्लांट बना देगा। मतलब समझ रहे हो, एक गाजर से ही हम क्या कर रहे हैं, गाजर के किसी भी भाग से, चाहे मैं सिर्फ गाजर बोलूं चाहे मूली, किसी को आप ले सकते हो, उसका कोई भी टिश्यू ले लो, चाहे कोशिका ले लो, चाहे अंग ले लो, कोई भी भाग ले लो, आप आपकी जो मर्जी आप ले लो, ठीक है। उस आपको सिर्फ न्यूट्रिशन माध्यम चाहिए, संवर्धन माध्यम चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, और आपके एक सही पीएच लेवल चाहिए, आपका एक स्टरलाइजेशन चाहिए, मतलब एक कमरा हो, बंद हो, वहां पर पराबैंगनी विकिरण हो, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अभी दिखाती हूँ, डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है क्या, उत्तक संवर्धन, ठीक है। दिखाती हूँ आप लोग को डायग्राम, देखो ये देखो, दिख रहा है, ये है एक कल्चर माध्यम। देखो कैसे यहाँ पर छोटे से टुकड़ों को लिया जा रहा है और पेट्री डिश में रखा जा रहा है, सब काम यही होना है, कैसे इसको कंटेमिनेशन से बचाया जाता है, संक्रमण ना हो करके इसको एक बॉक्स में, ऐसा जो रहता है कांच का एक बॉक्स होता है, उसमें अपन डाल देते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। एक यहां पर देखो, ये क्या है, पेट्री डिश है भाई, पेट्री डिश में कैलस बन गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा क्या है, कैलस है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो एक प्लांट बन गया, देखो ग्रो करके क्या बन गया, वो एम्ब्रियो से प्लांट बन गया। तो यही होता है आपके क्या, उत्तक संवर्धन माध्यम में, ठीक है। चलो अब इसके थोड़ा सा चरण देखते हैं कि क्या होता है भाई। सबसे पहले हमने जैसे कि चरण देखा कि कैसे कैसे होता है, उसी को छोटा सा यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले उत्तक संवर्धन है तो हमने एक प्लांट को चयन कर लिया, एक मात्र पौधा को चयन कर लिया, उसी मात्र पौधे को हम कहते हैं एलिट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिट कहते हैं, ध्यान देना। जिस पौधे का चयन किया, जिसको मान लो मुझे गाजर का करना है, तो वो मेरे लिए क्या है, एलिट कहलाता है, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, उत्तक संवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला, मात्र पौधा अर्थात एलिट पौधा का चयन किया जाए, कर दिए भाई साहब, जिसके उत्तक का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, मैंने जैसे ही बताया, ठीक है। अब एक्सप्लांट को हमने ले लिया, मतलब उत्तक को हमने ले लिया, उसको हमने क्या कहा, एक्सप्लांट, अभी डायग्राम में दिखाया हूं ना मैं, वही चीज है। अब क्या करेंगे, उसको पोषक माध्यम में, जैसे व्हाइट माध्यम, स्कूप माध्यम, मुराश्मी का स्कूप, पोषण माध्यम आदि का चुनाव करते हैं। एक न्यूट्रिशन मीडियम लेते हैं और उस न्यूट्रिशन मीडियम में हम उसको चुनाव करके डाल देते हैं। उसका अर्ध ठोस या तरल माध्यम तैयार करते हैं। जो भी हम न्यूट्रिशन माध्यम लेते हैं वो अर्ध ठोस या तरल माध्यम का होता है, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तक संवर्धन के सभी उपकरणों को कॉटन प्लग सहित करीब 20 से 30 मिनट तक 120 डिग्री सेल्सियस 20 पाउंड दाब पर ऑटोक्लेविंग कर अर्जमिक। देखो जैसे ये परख नली हो गया, ठीक है, और इस परख नली में हम क्या करते हैं, इस एक्सप्लांट को रख लिए, या तो पेट्री डिश में रखो या तो इसमें रखो। तो इसमें अगर रखोगे तो हम यहाँ पर कॉटन प्लग से क्या करेंगे, पूरा बंद कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कॉटन प्लग से क्या करेंगे, पूरा बंद कर देते हैं और ऑटोक्लेव करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके पीएच कितना माध्यम होना चाहिए भाई, पीएच मैंने कहा ना, ताप चाहिए, पीएच चाहिए, तो 5 से 6 और 5 से 8 के बीच में रखा जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इनोक्यूलेशन चैम्बर को पराबैंगनी विकिरण से उपचारित करते हैं। मैंने जैसे ही कहा ना, पराबैंगनी भी किरण से अपन क्या करते हैं, डालते हैं। बहुत ज्यादा पराबैंगनी नीचे, थोड़ा सा हमको काम करना है इसमें, ठीक है। तो स्टरलाइज करेंगे पराबैंगनी से, कोई भी संक्रमण ना हो, बैक्टीरिया वायरस ना हो, इसलिए उसको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। अब इनोक्यूलम को टिपाल से धोकर मर्क्यूरिक क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड या एथिल अल्कोहल या क्लोरीन जल से भी हम धोते जाते हैं, उसी तरह अर्जमीकृत हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, एक्सप्लांट या संरोप को अर्जमीकृत वातावरण में पोषण माध्यम पर प्रकोष्ठ यानी कि अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, हम उस एक्सप्लांट को प्लास में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, वातावरण में, पोषण माध्यम में। संवर्धन ट्यूब या फ्लास्क में के मुंह को कॉटन प्लग से हम कवर करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, और बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे ताकि वायु बाहर का ना आ सके, ठीक है, ताकि अंदर में ही शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। यही प्रक्रिया वातायन कहलाती है। हमको क्योंकि चाहिए टेम्परेचर, हमको चाहिए पीएच मान चाहिए, हमको चाहिए वायु चाहिए, बाहर का कंटेमिनेशन वाला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, उपकरण को संरोपण के पश्चात स्वचालित शेकिंग इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेटर का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तक पर नियत पर हम रखते हैं,
ठीक है। अब कैलस या एम्ब्रॉयड को विकसित होने दिया जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और फिर हार्मोन उपचार के द्वारा नए पौधे को तैयार किया जाता है, अंततः हमें बाद में क्या करते हैं उसको खेत में डाल देते हैं। आप एक जगह सुने होंगे रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में, किसका नाम है, आदित्य बायोटेक्नोलॉजी लैब में, क्योंकि मैं वहीं पर सबसे पहले लैब जो है मैं पहली बार वहीं देखी हुई थी और वहीं पर मैंने ये सारी चीजों को देखा हुआ है कि कैसे तैयार करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा चीज मैंने वहीं पर देखा है ज्यादातर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बच्चों इतना ही चीज आपको लिखना है पेपर में, क्या होता है कैसे होता है। तो ये आपका क्या है आज का लेक्चर, जो 5 अंक का प्रश्न बनता है उत्तक संवर्धन के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए भाई मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। इतना टॉपिक करें, 5 अंक आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।